काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। याद रखो, याद रखो, बुरा वक्त आने वाला है। रंदा भरा है तक किस इधर जे अगर तको तो मुकम्मल तौर पर बाजार जड़ा है वो एक दुकान तक नहीं खुली भी। औज बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लखा तो करोड़ों दरूद हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निहाल मौजी नाजी तो तक जो अपना YouTube चैनल दानी भाई ब्लास्ट मैं तनिया हालत उम्मीद करना कि सारे पिंड भरा ठीक हो सो खुश हो सो नाल वल हो सो जी अपनी जिंदगी है बढ़िया संजे तरीके ने गुजारने सो सब तो पहले सो सारे भैन भरा बेहद शुक्रिया जरा कीमती टाइम कटने हो तो माड़ी वीडियो तकने हो अल्लाह पाक तो सारे खुश रखन आबाद रखन तो अपने जो ईमान ही रखन जैसा कि तकने तो अज ना जरा मौसम है माशाल्लाह सूरज मावा अज बहुत सोहने चमकी दे इस टाइम मौजूद है जमान शो अपने चौक पर क्योंकि जैसा कि तकने तो हर तरफ जो है ना इस वे जो है ना सब की बंद आ जिस होटल में खलता हूँ होटल भी बंद है इस वजह होटल बंद है कि आज 5 अक्टूबर ही 5 अक्टूबर आज हड़ताल ही तो पिछली हड़ताल हुई थी तो उसने ये फायदा होया सा जोड़े ज्यादा टैक्स से वो जरा ना खत्म हो किसी बिलों में बिल जरा ना बड़े मुनासिब जो जिनवाम ने अज फिर दोबारा जरा ना हड़ताल निकाल दी गई सी अज फिर दोबारा जरा ना हड़ताल की गई है तकने इस हड़ताल ने क्या फायदा होना है जैसा कि तकने उस इधर भी सारा जरा होटल वो भी ज्यादातर जरा है ना वो बंद आ भैनों तो भरा हड़ताल करने का मकसद ये आ कि यह जरा फायदा हो चाहिए सारी वाम की हो चाहिए क्योंकि एक दो बंद की फायदा नहीं होना क्योंकि पिछली बार जी हड़ताल हुई थी उसने यह फायदा होया सा कि जोड़े बिल जिन्हें बंद ने 10-10 हज़ार आए थे वो टैक्स खत्म किए गए थे तो उन्होंने की 6 या 7 हज़ार पर थोड़ा किया गया सा वाम ने बड़ा फायदा होया सा यह आ कि ओवरऑल पूरे आजाद कश्मीर की जी ना ये हड़ताल की गई है तो यकीन करो भैनों तो भरा मैं एक अर्ज कर सौ तो सारे भैन भरा रखसा कि जैसा कि तकने उसको आजाद कश्मीर इच एक ऐसा एयरपोर्ट नहीं जिथे कोई फ्लैट वगैरह ले सके आजाद कश्मीर इच एक ऐसा अस्पताल नहीं है जिथे आजाद कश्मीर लोगों का इलाज है वह भी फ्री आजाद कश्मीर इच ऐसे स्कूलों का निज़ाम नहीं है जिसने बच्चे जरा ना पढ़ी सकन क्योंकि ज़्यादातर जरा ना कम बच्चे वगैरह पढ़ाए जाने वो प्राइवेट स्कूलों से पढ़ाए जाने क्योंकि सरकारी स्कूलों ने इस तरीके का निज़ाम नहीं बनाया गया क्योंकि जे अगर आजाद कश्मीर ने अंदर अस्पताल नहीं है कि जिथे गरीबों का इलाज हो सके क्योंकि अस्पताल पिछले मैं ब्लॉग भाई चुके हैं कि मैं अस्पताल एक सरकारी गया उतना एक व्हील चेयर तक नहीं सी व्हील चेयर थे जी चलनी भी नहीं सी लेकिन इतने माड़े इलाज भी कोई भी क्योंकि क्या रियासत आजाद कश्मीर ना हक नहीं है अस्पताल एयरपोर्ट स्कूल बिजली ये आजाद कश्मीर ना हक नहीं है पहले भी बड़ी भैनों तो माड़े भरा जाइ रहे हैं इस टाइम असा जमान चौक ने अंदर इतना सारे भैन भरा शेयर करें जैसा कि तकने उसो ज्यादातर जी दुकाना ही वह बंद ही जिन्हें खोलियां भी मैं उन्होंने को एक ही सवाल पूछना है कि क्या ये कुछ मसला नहीं है बिजली पानी चलो यूज करने सारा कि जे अगर एहतजाज होना पाया तो सारे बराबर टुरो जैसा कि तकने इस टाइम जो दुकाना ज्यादातर होटल छोड़ी जाओ सारिया ज्यादा के भैनों तो भरा तक बंद ऐसा की एहतजाज जे किया गया तो फिर सारे बराबर ही शरीक हुआ एहतजाज पता नहीं एहतजाज कोर्ट पहुंचना है जैसा कि तक उसको इस टाइम मतलब मौजूद हाँ जमान चौक पहुंच ही आया क्योंकि ज्यादातर जो बाजार आ बंद ही चंद एक बंदियां जड़ी वो दुकाना खोलिया गई इस एहतजाज वैसे तो मुकम्मल डिटेल की दसा अपडेट दसा कि कितनिया दुकाना खुलिया गई कितनिया बंद खुला वा अज बाजार तक जरा सारा बंद आ
माने भराओ हूं पहुंचे कचहरी तक छह तकनी खड्डा आ जरा बहुत टाइम पहले प्यास आ लेकिन खड्डा अज दर तक नहीं बनी नहीं बनी सकी है रोड इतों या खड्डा पुर नहीं हो जैसा कि तकनी भेड़ों तो भराओ इधर भी दिखाना सब बंद आ इतजाज जरा बड़े जोर शोर चाहिए जिस तरीके लग ही रहा कि जमान चुका चंद एक टिकाणा दो चार खुलियां सियाँ बकाया ज्यादातर बंद सियाँ तो इधर अगर आए हैं तो इधर भी लगना कि ज्यादातर जो दुकाना हैं सारिया वो बंद एहतजाज वैद फिर सारे बराबर ने शरीक हो सकन तो फिर जरा चाहिए एहतजाज नहीं होनी है कामयाबी जैसा कि इधर तक नहीं सोच अगर जा ही रहे हैं तो इस टाइम अस मौजूद हैं पार्सल में तरीके अच्छे बुतीक कचहरी रोड तो थले चाहिए तो इधर जितनी भी दुकाना हैं ज्यादातर हैं बंद बंद खलते हुए लेकिन रिपोर्ट पानी है आजाद कश्मीर को जहाज डर है क्योंकि धूड़ा ना धूड़ मिट्टी हुए इधर भी सारे बाजार बंद आज असं मुकम्मल से अपडेट देने पे डडियाल शहर कितना दुकाना बंद या कितनिया खुलियां भी क्योंकि अच जी की गई है ना मुकम्मल शटर दौड़ हाल तो भैया जहाँ मरता अच क्योंकि जैसा कि तकने उसको जी गड्डिया चली रही हैं नॉर्मल ही चली रही क्योंकि इस वजह न कि यह जड़ी स्कूलों वगैरह ने या वैसे जो शहर ने अस्पताल आज तक जो बंदे जाए रहे उन्होंने ये खुलियां गई वैसे जो ज्यादातर दुकाना हैं वो भेड़ों तो प्रो बंद हैं जैसा कि तकने उसको लगना कि आवाम सही एहतजाज में शामिल हुई है बार सामने पुलिस की गड्डी भी खत्ती हुई है बार सामने ज्यादातर बंद है पी बंद जाए टोटल बंद भेड़ों तो प्रो ये दूसरा एहतजाज आ आवाम बड़ा भरपूर साथ दे रही है क्योंकि ज्यादातर जितने जबराल तक क्या ज्यादा की है अंदाजा लाई सकते हो जिन्हें दुकाना की ज्यादा रोड मेडिकल स्टोर आई उन्होंने तो अलावा जितनी भी दुकाना हैं वो ज्यादातर भेड़ों का प्रो बंद ही आवाम का बड़ा जोश जोश खरोश आ इसकी वजह से ज्यादा इतनिया भी जड़िया दुकाना हैं भेड़ों का प्रो वो बंद ही इस टाइम असा डडियाल सब्जी के पहुंचे आए हैं डडियाल वन वे ने कौन पहुंचे इतना तक मुसलसल जड़िया वो बंद ही दमान चौक है तो दो तीन दुकाना थी जो खुली उन्होंने तो अलावा सब दुकाना बंद से हूँ असं एंट्री मार रहे हैं मैन बाजारा में मैन बाजारा में दसा कि कितनी दुकाना खुली कितनिया बंद है तो कितना भेड़ों को बिल्कुल ही मुकम्मल मुकम्मल जड़िया दुकाना हैं वो डडियाल बाजार दियाँ वो बंद ही आम वगैरह जैसा जो तकने जो वाम से चंद एक बंदे जिन्हें दुकाना अपनी खोलिया डडियाल बाजार फाइनली माणियो भेड़ों तो माने भरावो इस टाइम पहुंचे हैं असां डडियाल चौक ने करीब जैसा कि तकनी इधर भी जितनी ज्यादातर जो दुकाना हैं वो बंद हैं ऐ तक सकने भेड़ों के भरावो।
एहतजाज बड़े भरपूर तरीके जारी है। अगर तो किसी जैसा कि बाजार नहीं आता, बाजार ज्यादातर जोड़ा है वह बंद है। अस जुड़े हैं शेयर करने हैं ब्रह्म चौक है वो जर तक ज्यादातर जकान बंद है। चंद की दुकान हैं जड़ियाँ खुलिया गई पता ही उन्होंने तो अलावा जो दुकान हैं वो बंद की गई हैं। इस टाइम अस मौजूद हाँ एहतजाज ने अंदर तुसें गी दसने कैसा हफ्ता बनता है बड़ी तादाद और वज़ीर आज़म साहब की ये पैगाम है कि अगर ये लोग तो जो नाजायज टैक्सेस और आटे पर सब्सिडी खत्म की गई, एक तो सब्सिडी पार की जाए, दूसरा नाजायज टैक्सेस खत्म किए जाए, फ्री बिजली जो आजाद कश्मीर के लोगों का हक है वह उन्होंने मुहैया की जाए, और जेडे कल ने कुछ शहर शहर में कोशिश लगे सन कि दुकाना खुली आ रहे सन, उन्होंने वास्ते पैगाम है कि यह तारीख हूँ किसी का प्योग नहीं रोकी सकना, उन्होंने वास्ते एक शेर है, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अस्सलाम तमाम दोस्तों की आसान की जड़ा बोली, तमाम दोस्त गलियार ने गलियार का इलाका नहायत ही छोटा जहा इलाका है, सारे पिंड पर आए हैं, लेकिन हकीकत यह है मैं गलियार के अंदर रहना है, कोई इतना गुजर है कोई राजा कोई चट कोई फौजा हिंदुस्तान लिखा कट है, सब तो बड़ी गल के बाना चाहना है कि अज दिन तक लिसे बंदे कि कैशन ही ना देने कि कैशन देने भाई चौं बने के रोटी नहीं खुआई सकना चाह नहीं खुआई सकना, यह करसी सियासत सियासत है करसी ना, अफसर शहीद ना मुड़ा है जिसने कुल 4 करोड़ है 10 करोड़ है, इलेक्शन और लड़ती जिसने कुल 20 करोड़ है 100 करोड़ है 50 करोड़ है, अगर साडे मुंडी साहब ने भारत की अफवाह थी कि वो एक प्लाजा बेची जा रहे हैं जरा 92 करोड़ का आया गलबन, लेकिन गल यह है मैं तुम कि अच्छी गल पाना चाहना है असा पुर अमन लोग एक पता भी नहीं त्रोड़िया हबीब साहब दसिया, लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी नाल अस इस दुनिया एक बार आए हैं और मेरे जैसा रोज रोज ऐसा कौन इच्छना तुसा ये गल अपने दबावे भाली भी लोग और तुसा ने अंदर इतनी जुड़ पाई है अल्लाह ने मेहरबानी नाल कि तुसा जिसे जान देनी पै उसे जान दो, जिसे सबर रखना पै उसे सबर रखो, और जिसे कुसा ने जान देनी पै अल्लाह ने मेहरबानी नाल उसकी जान चाहे भी गिनो, इतनी थाने अंदर अगर जुड़ पाई जाए इतनी थाने अंदर ताकत आई जाए, और मैं सुनी एक और गल बन जाएंगे रियासत असा लोगों नाल है लगिया मैरिया पर जड़ा ने हुक्मरानियां नहीं होनिया, अस थे हैं तो साढ़े पर हुकूमत करने शहर पर हुकूमत होनी है, रियासत जी अस अस आराम नाल ही रियासत होनी है, तो मैं इजाजत चाहता इसने नाल अम्मा का काल अल्लाह तबारक व तआला फिल कलाम मजीद वल फुरकान हमीद ان اللہ لا یغیر ما بقوم میں حتى یغیر ما بانفسهم صدق اللہ العظیم۔ اس سبب عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک سرفروش سرپکا فوجوانوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے دوستوں عزیزوں، آج میرا شہر پورا بند ہے، ڈڈیال کو سطح پر ایک اہمیت حاصل ہے ایک پہچان حاصل ہے، اس لیے انٹرنیشنل سطح پر آزاد کشمیر کے دیگر شہروں سے اس کا موازنہ کیا جائے تو آپ کا شہر پہلے نمبر پر ہے۔ ہوا کیا میں مختصر بات کروں گا، پاکستان میں 13 جماعتوں کی حکومت مسلط کی گئی جس نے ملک کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھا اور قرض لیے اپنی عیاشیوں کے لیے، اس کا اثر یہ ہوا
कि बिजली पे रंग बिरंगे टैक्स किए गए, गरीबों पर जुल्म हुआ। मैं सलाम पेश करता हूं डडियाल के नौजवानों को, मीरपुर के तमाम तालुकों का लाखों, कोटवे के लोगों को, रावला कोटवा बांध के लोगों को, मुजफ्फराबाद के लोगों को, जिन्होंने आजाद जनता से जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, आजाद जनता से जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और रोजाना आवाज कराची से लेकर शहरों तक चली गई। लोगों, मैं ये बात कहना चाहता हूं, दीगर इलाकों की जो अहमियत और हैसियत है और जो हैसियत की तरकीब भी है वो हमारे इलाके से मुख्तलिफ है। आपकी अपवित्रता की कब्रों पर ये मंदिर अच्छी तरह नहीं खड़ा है। उस वक्त आजाद कश्मीर के सदर गाजी मिले सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने यहां कहा था डडियाल के लोगों, आपको फ्री बिजली दिया जाएगा। आज आप फ्री बिजली का मुतालबा करते हैं तो बेबर का नवारा कि जब यह जेल पड़ा उसका बाप खूब चली, उसका दादा रहमत खान चिल्ला में उनमें पत्रियां चलाया करते थे। ये कौन सी तहरीक है लोग की? मेरे भाई ने कहा कि हम हुकूमत में भेज सकते हैं। वो किसने इसको हुकूमत में भेजा है? यह कितनी हुकूमत है, कमजोर पड़े तुम्हें काम पे लड़खड़ा के यहाँ के काज से इस हुकूमत की बुनियादी हल करेंगे। यह किसी वक्त भी तमाम से गलत किया। आज आप देखो मेरा मीरपुर शेष कोटवी बाग रावला कोट मुजफ्फराबाद तत्तापानी चरणकंद अब्बासपुर हटिया वाला नीलम हुकूमत के खिलाफ अच्छा समर्थन पेश कर रहे हैं। ये बेहद तो ये हुकूमत है। अगर पार्लियामेंट में वो हुकूमत होती तो वो उसकी जगह सरकार को चली जाती। ये देखो यहाँ पर बड़ा भी बैठे हुए हैं, इसे सारे वजीर बना दिए कानून समिति के मेंबर, सारे वजीर बना दिए। उनको महकमे क्यों नहीं लाके दिए? उनको झंडियां क्यों नहीं दी गई? हर झंडी के नीचे एक डंडा होता है। ये झंडी लगाकर इस शहर में आए तो खुदा की कसम लोग इनको आशियाने चढ़ते हैं। यहां से लोगों को मारा गया, पीटा गया। जब लोग बाहर निकले उस वक्त ये सब जमीन नहीं होती थी। एक जनदार था चौधरी अकम पगारा अफसर शहर के बड़े भाई, उन्होंने उसको स्कूटर पे बिठाया, पीछे अवाम का सैलाब था, उसको उठा पदम से पार कर दिया। आज क्या होगा? कल की बात मैं कर रहा हूं, तुम मरो मुस्तकबिल करीब में हमारे इन बच्चों के खिलाफ एफ आई आर काट जाएंगे, इनके घरों पर छापे मार जाएंगे, इनको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर हुकूमत ने यह अनखाना कदम किया, मैं डडियाल की इंतजामिया सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को मतलब पे करना चाहता हूं। अगर इस किस्म की अनखाना कोई काम किया, याद रखो तुम्हारा अशर करना होगा। हम तुम्हें जूते मारने तमाम लोग मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन ये बेहद बिल्डिंग के अंदर छुपे हुए हैं, तस्वीरों में छुपे हुए हैं। याद रखो बुरा वक्त आने वाला है। हुक्मरानों होश के ना खिलो, अवाम के अवाम आवाज सुनो, अवाम क्या कहती है। एक बात और, अगर इन बच्चों के खिलाफ को मुकदमा दर्ज किया गया, ये जो हमारी एक्शन कमेटी है इसके लिए, अगर इनके खिलाफ को पर्चा दर्ज किया गया, अगर इनके असली भेड़ों तो भरा हूँ जा रहे हैं नरकली बाजार ने अंदर, जैसा कि देखने उस नरकली बाजार भी मुकम्मल तौर पर जड़ा है ना, वो दुकान बिल्कुल ही जड़ी हैं, सब बड़ी हैं, बंद की गई हैं। जैसा कि तकने उस भेड़ों भरा हो सब दुकान, कोई बंदा भी नहीं, दुकान सब बंद, मुकम्मल शटर डाउन वाल तार की गई है। असा है तुम सारे भेड़ भरा ये भी शेयर करी छोड़ा कि डडियाल नरकली बाजार नहीं क्या पोजिशन ही, यह तुम शेयर करी रहे हैं। जरा डडियाल नरकली बाजार आ भी मुकम्मल तौर पर इस टाइम भेड़ों भरा बंद आ, इसने भी बंदे हुए जाइए जड़े एहतजाज ही जाइए, बकाया कोई बंदा नहीं है। बिस्मिल्लाह भैनों का भ्राओ ए तक ही सकने इधर जे अगर तको मुकम्मल तौर पर
बाजार जड़ा या वो एक दुकान तक नहीं है खुली भी, ज़्यादातर जड़ियाँ दीदियाँ दुकाना वो बंद ही हैं, बंद मुकम्मल तौर पर बाजार जड़ा है ना वो बंद आना बन गया भेड़ों का माने परो इस टाइम उस जगह मौजूद हाँ जिथे डडयाल बाजारन सब बिजी तरीन रोड इसके आया जाना नारकली बाजार जैसा कि तकने उस प्लाज जाने ऐ सुनसान हालत जी कोई वाम नहीं है इतना बिल्कुल ही वो बंदे जड़े वीडियो वगैरह बनाई दे बक्का या इसने कोई बंदा नहीं है जैसा कि भैनों तो पर इधर भी तकी सकने हो ये डडयाल ना सब तो बिजी तरीन बाजार है जिसने मुकम्मल तौर पर भैनों तो भ्राओ दुकाना जितनी भी वो बंद की गई है जैसा कि तक नहीं मुकम्मल तौर पर बंदा भी नहीं इन्ना इन्ना दुकाना भी जिधर तुसें ही नज़र मरवा ये प्लाजे भी जड़े मुकम्मल तौर पर बंद है। फाइनली मर गया भेड़ों का माने भ्राओ इस टाइम सा मौजूद है चाचा चाचा क्या हाल अल्लाह ने शुक्र है सेहत दुआ करी डा करो घर नचोड़ कटिया ने नचोड़ कटिया शटर हड़ताल फुल हो ना अच्छा हाँ ताजर जितने थे सही सपोर्ट की है अच्छा उन्होंने ज्यादातर सारे दुकान जो बंद हैं तकरीबन ज्यादा बंद नहीं टोटल बंद है टोटल बंद दो मुकम्मल तौर पर शटर मुकम्मल शटर डाउन ए जड़ा इत्तेजाज पूरा मंत्री जी और स्कून नाल तकिया ने सा दसया ना वहां टैक्सी ना जैसा कि तक ए जड़ी ये जिस जगह सा बैठे हुए ए डडयाल ना बिजी तरीन जगह बाजार है ये गल है ये मुकम्मल तौर पर बंद है सारा बंद है सारा बंद है इसने तो ये अंदाजा लाया जाना कि عوام जड़ी है और पूरा डाउन करने शहर आई गया عوام में ये है वो अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं आया तमाम ने दो त्रै मुतालबे एक बिजली फ्री की जाए आटे पे सब सिटी है वो बहाल की है क्योंकि जरा गरीब बंदा है वो रोटी है खाना तो रोटी भी उसकी पहुंचू बहुत ज्यादा दूर हो गई है तकी सकना खाई नहीं सकना यह गल तकी सकना चाचे की गल रोटी की दूरों तकी सकना खाने नहीं तो उसकी बेचारे की गुंजाइश खत्म हो क्योंकि आटे की गुत्थी जी है 3000 नहीं देने पे 3200 नहीं देने पे तो वो किस तरह खासी हो तकी तो खासी तो पानी हमेशा का पी सकना है क्योंकि सस्ता हुआ या वो भी अजकल पैसे ना ज्यादा लभना पाया तो भैनों तो भ्राओ वीडियो ना था कर सा एंड अगर किसी किस्म की कोई गलती गुस्साई हुई है तो माफ कर सो मिलता है नवे वीडियो अल्लाह।